भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े एक्शन को अंजाम दिया है। बीएसएफ ने 10 से 12 पाकिस्तानी रेंजर्स को ढेर कर दिया और कई चौकियां तबाह कर दी गई हैं, तहस नहस कर दी गई हैं। कल कांस्टेबल हाजरा शहीद हुए थे और इसका बदला यह माना जा रहा है। और किस तरीके से इस एक्शन को अंजाम दिया गया है ये पूरी खबर आपको और ज्यादा विस्तार से बताएंगी मेरी सहयोगी नेहा पंत। नेहा, तो अखिलेश, एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है पाकिस्तान के खिलाफ। भारत द्वारा ना सिर्फ शहीद जवान की शहादत का बदला लिया गया है बल्कि पाकिस्तान को एक बार फिर से कड़ा संदेश। ये पूरा एक्शन किस तरह से लिया गया भारत की तरफ से ये हम आपको बताएंगे। जहां 10 से 12 रेंजर्स को ढेर करने के साथ ही पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह किया गया, 10 दिन में यह पाकिस्तान पर दूसरा बड़ा एक्शन है। इससे पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्शन था। 25 दिसंबर को मिनी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और उससे भी पाकिस्तान के नापाक इरादों पर पाकिस्तान को एक बहुत टफ मैसेज देने की भारत ने कोशिश की थी। 25 दिसंबर को 3 पाकिस्तान के सैनिक मारे गए थे और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने इस बात को खुद माना था। वो पाकिस्तान जो जिन आतंकियों को भेजता है अपने ही बाशिंदे उनके शव लेने से इनकार करता है, खुद पाकिस्तान ने मारा कि 25 दिसंबर की कार्रवाई में उसके 3 पाकिस्तान के सैनिक मारे गए थे। और अब एक बार फिर से अखिलेश, एक बड़ा एक्शन पाकिस्तान ने लिया है, शहीद कांस्टेबल की शहादत का बदला और पाकिस्तान के 10 से 12 रेंजर्स को किया ढेर।